हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अन अकेडमी। जी दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम के आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अन अकेडमी। अन अकेडमी की बात करें तो 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बैंक सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल 6,000 रुपये, और 24 महीने के लिए लेते हैं तो उसकी फी है टोटल 7,200 रुपये। लेकिन आप मेरा यह रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे इस कोड को यूज करेंगे आप तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहां पर 1 सालों के लिए फी थी 6,000, वहां लाएंगे 5,400, और जहां 2 सालों के लिए फी थी 7,200, वहां लाएंगे 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा यह रेफरल कोड जरूर, RPK10। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विद विच कंट्री ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द 2023 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप। यानी किस देश के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2023 की महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन है कि किस देश के साथ ऑस्ट्रेलिया 2023 की महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम, चौथा ऑप्शन है फ्रांस और पांचवा है चाइना। यानी क्वेश्चन था 2023 की महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसके देश के साथ ऑस्ट्रेलिया करेगा मिल करके। तो इसका जो आंसर है याद रखिएगा, न्यूजीलैंड। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिल करके इस खेल की मेजबानी करेंगे। यानी कहने का मीनिंग है क्या कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ष 2023 महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे। संयुक्त फुटबॉल की व्यवस्था महिलाओं की सबसे बड़ी चैंपियनशिप के लिए पहल होगी, जो इस आयोजन में 32 टीमों का विस्तार करेगी। याद रखिएगा, 32 टीमों का विस्तार करेगी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विल होस्ट 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप। द ज्वाइंट होस्टिंग अरेंजमेंट वुड बी द फर्स्ट वुमेन्स स्कोरर्स बिगेस्ट चैंपियनशिप विच विल एक्सपैंड टू 32 टीम फॉर द इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री प्लान टू एस्टैब्लिश द परमानेंट मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशियन। यानी हिंद महासागर में अस्थाई सैन्य अड्डे की स्थापना किस देश की योजना है। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है इराक, चौथा ऑप्शन है ईरान और पांचवा ऑप्शन है यूएई। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ईरान। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक अस्थाई आधार स्थापित करने की योजना बना रही है। यानी कि हम बात करें तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक अस्थाई आधार स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द पोजिशन ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ फॉरेन मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। यानी कि हम बात करें स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में जमा विदेशी धन की अवधि में भारत की स्थिति क्या है। पहला ऑप्शन है 53वीं, दूसरा ऑप्शन है 67वीं, तीसरा ऑप्शन है 59वीं, चौथा ऑप्शन है 61वीं और पांचवा ऑप्शन है 77वीं। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 77th नंबर इंडिया का है। कहाँ, तो स्विस बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के मामलों में इंडिया का स्थान कितना है, तो 77वां का रैंक है। यानी कि 2019 के अंत तक, याद रखिएगा 2019 का ये रिपोर्ट है, 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ अपने नागरिकों और उद्यमियों द्वारा लगाए गए धन के मामलों में भारत 3 स्थान नीचे 77वें स्थान पर आ गया। भारत पिछले वर्ष में 74वें स्थान पर था। इंडिया हैज मूव डाउन 3 places टू 77th rank इन टर्म ऑफ मनी पार्क बाई सिटीजन एंड एंटरप्राइजेज विद स्विस बैंक एट द एंड ऑफ 2019।
इंडिया वॉज रैंक्ड 74th इन द प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री टॉप्ड इन द टर्म ऑफ फॉरेन मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक. यानी कि कहने का मीनिंग कि भारत का स्थान जो है वो स्विस बैंक में 77वां था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है क्या. तो स्विस बैंक में जमा विदेशी धन के मामलों में कौन सा देश सबसे ऊपर है. पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा यूके और पांचवा चाइना. इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है यहां पर. तो स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक में, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यूके ने अपना शीर्ष स्थान बना के रखा है. यानी कि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक में जो सबसे ज्यादा पैसा जमा है वो किसका है, यूके. और याद रखिएगा कि इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी, 77वीं रैंक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री एनटीपीसी हैज टाइड अप ए बिल्ड ऑफ 500 मेगावाट सोलर पार्क. एनटीपीसी ने किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए करार किया है. पहला ऑप्शन है माली, दूसरा ऑप्शन है लिबेरिया, तीसरा ऑप्शन है घाना, चौथा ऑप्शन है टोगो और पांचवा ऑप्शन है सेनेगल. इसका जो आंसर है वो क्या होगा, माली. यानी कि एनटीपीसी के माली गणराज्य में 500 मेगावाट, याद रखिएगा एनटीपीसी के माली गणराज्य में 500 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे. यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस को किस दिन मनाया जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं MSME शॉर्ट में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, मध्यम आकार के उद्यम दिवस को किस दिन मनाया जाता है. पहला ऑप्शन है 25 जून, दूसरा ऑप्शन है 26 जून, तीसरा ऑप्शन है 27 जून, चौथा ऑप्शन है 28 जून और पांचवा ऑप्शन है 29 जून. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 27 जून. यानी कि द जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज, यानी कहने का मतलब है कि महासभा के उन उद्यमों को, इन उद्यमों को समझते हुए 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम की घोषणा की, ताकि सतत विकास के लिए उनके योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जा सके. द जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिज इंटरप्राइजेस, डिसाइडेड टू डिक्लेयर 27th द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी कि महासभा के इन उद्यमों को, के महत्व को समझते हुए 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस की घोषणा की, ताकि सतत विकास के लिए उनके योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जा सके. थैंक यू दोस्तों. अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप करंट अफेयर्स के चैनल पर जाइए, करंट अफेयर्स इन 10, और यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप चैनल पर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे हर एक सेशन को देखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर लीजिएगा GA by रवि प्रताप कर, हम मिल जाएंगे आपको. और फिर मेरा यह रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, RPK10. जैसे इस कोड को यूज करेंगे तो हमको आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. यानी कि जहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके बाद जाना मैनेज गोल में, फिर अपना सेलेक्ट करना है बैंक, SSC, रेलवे, BPSC, UPSC अपने गोल को, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है और इस रेफरल कोड को डालना है RPK10. याद रखिएगा RPK10. जैसे इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. तो थैंक यू दोस्तों, चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10. थैंक यू सो मच.